जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता ने राष्ट्र स्तरीय होली मूल्य पर उंगली उठाई है। सुजातपुर होली मेले में गुप्ता का कहना है कि प्रदर्शनियों से लेकर शुभारंभ तक के कार्यक्रम में इस बार फेरबदल किया गया है, जो कि शुभ नहीं है। उन्होंने बीजेपी सरकार के इस होली मेले में ना तो विधिवत होली उत्सव का मंच पर आगाज हुआ है, ना ही क्रमबद्ध तरीके से काम किया गया है। गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री के आने के बावजूद भी सुजानपुर को कोई सौगात तक नहीं मिली है, जिससे क्षेत्रवासियों को गहरा मलाल है। सर, इस बार भाजपा सरकार के कार्यकाल में कुछ राष्ट्रीय स्तरीय होली मेले में पारंपरिक तोड़ी गई है, उसके बारे में सर कुछ विस्तार से हमें बताइए। ऐसा है कि राष्ट्रीय स्तर के होली मेले में ये हमेशा परंपरा रही है कि कोई भी मुख्य अतिथि, अधिकतर यहाँ मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाता रहा, और उस उद्घाटन में पहला कार्य होता था झांकियों का पूजन, और दूसरे नंबर पर होता था मंदिर में पूजा अर्चना। तत्पश्चात ये जो क्या कहते हैं प्रदर्शनियाँ, इनका शुभारंभ, और उसके बाद शाम को ये जो कार्यक्रम होता था उसमें शिरकत करते थे मुख्यमंत्री। और जब भी कार्यक्रम के बीच में स्टेज पर वो अपना भाषण देने जाते हैं, तो सर्वप्रथम लोगों को शुभकामनाएं देते हैं। परंतु खेद का विषय है, इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। ना तो पूजा अर्चना की गई, ना ही क्रमबद्ध तरीके से प्रदर्शनियों का उद्घाटन किया गया। सर, इस बार होली उत्सव मेले में ना तो कोई मतलब सुजानपुर शहर को सौगात मिली है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? ये भी बड़े खेद का विषय है कि जब भी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो कुछ कोई ना कोई तोहफा यहाँ से देकर गए, परंतु यहाँ के प्रतिनिधि, हार जीत चली रहती है, परंतु सत्ता पक्ष के यहाँ होते हुए भी उन्होंने ना तो कोई मांग पत्र पढ़ा, और ना ही मुख्यमंत्री महोदय ने मंच पर चढ़कर कोई सुझाव देना उचित समझा। ये हमारे सुजानपुर वासियों के लिए बड़ी खेद का विषय है। सर, क्या बोलते हैं, यहाँ से आने वाले विधानसभा, आने वाले लोकसभा चुनावों में क्या इनको हार का मुंह देखना पड़ेगा, क्या होगा सर आपने आने वाले चुनावों में इनको? हाँ, ये तो निश्चित तौर पे एमपी के इलेक्शन आ रहे हैं, लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, और इसमें जिस प्रकार से इस विधानसभा में लोगों ने अपना मत दिया है, वैसे ही उसको दोहराया जाएगा,